ओलंपिक में अब तक जो जो विजय मिली भारत को, हृदय से हम सब गदगद हैं हम सबके आभारी। दुनिया पूरी वाह वाह बोले, क्योंकि आज भारत की गोल्डन पारी। लव यू नीरज, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, कीप इट अप। चड्डे पट्टे। ओलंपिक में आज भारत को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल मिले हैं। हम सब कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगी नीरज चोपड़ा जी ने, जो भाला फेंका यहाँ से ऐसे उड़ के गया तीर की तरह। ओ माय गॉड, वो अच्छा तो बाउंड्री पार नहीं हुआ पैर। यू नो, एक होती है बाउंड्री, होते तो बाउंड्री के अंदर ही पैर रखने होते, उसके बाहर नहीं रखने होते। सो दैट वाज, मैंने सीन देखा, सो प्राउड, कितना अच्छा लगा कि टोक्यो में, मतलब के भारत जो हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा था और जो फ्लैग लग रहा था बीच में और नीरज चोपड़ा बीच में खड़े थे। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, यू नो, सो प्राउड फील होता है कि हम लोग, मतलब हर पूरे देश ने, मतलब 2 साल इतने बुरे काटे हैं लॉकडाउन में, बट अभी ये जो एक सूरज उगा है और इतने मेडल आए हैं, अभी भारत का नाम बहुत ऊँचाइयों पर लिया जाएगा। पहले भी हमेशा नंबर वन पे ही था भारत, बट ये दिस इज सो कॉन्ग्रेचुलेट। और ये भारत की जीत, मतलब हिंदुस्तान के एक 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 बंदे की जीत है। एंड हर कोई ये जो स्पोर्ट्स में रुचि दिखाते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। आई फील के हर जितने भी जो खिलाड़ी हैं या और भी सब लोग, कोई यू नो एक्टिंग में या अलग अलग इसमें रुचि दिखाते हैं, पायलट बनने में या फौजी बनने में, बट स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में अभी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुश्ती हो, फुटबॉल हो, हाँ कबड्डी हो, और अभी तो ये भाला वाले को कौन सा गेम कहते हैं मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि मराठी में भाला कहते हैं, यहाँ से वहाँ तीर फेंकना भाला। वाओ, शूटिंग के लिए भी एंड चेस के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट इंडिया, भारत माता की जय। Gold, 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 Neeraj Chopra does it.